Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Where will you take all your money because you're sitting on this pile of cash now? नहीं, वो तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या और इसका इजी आंसर भी नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे पास जो भी सरप्लस मनी है, अभी हमने डिपॉजिट के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी डिपॉजिट आ रहा है। तो अब डिपॉजिट आने के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में इश्यूज आए तो हो सकता है वो फ्लो जो मनी है वो बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा वापस आ गया। कुछ फ्लाइट टू सेफ्टी एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वो भी एक है, लेकिन इस समय जो मेरी वाकई में जो बड़ी समस्या है वो एक्सेस डिपॉजिट की। एग्जैक्टली, सो यू हैव ऑल दिस मनी एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू बोरो। यस, तो इसीलिए अब आज की तारीख में हमारा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो है ऑन एन एवरेज रिजर्व बैंक को 3.75% पे देके क्लियरर फॉर द ले पर्सन एंड इफ आई एम रॉन्ग यू प्लीज करेक्ट मी बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल दैट इफ यू टेक फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल यू माइट बी पेइंग 6% 7% ऑन योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स बट द सेम मनी बिकॉज नोबडी इज बोरोइंग फॉर फ्रॉम यू यू प्लेस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवरी डे 1.5 crore rupees At just about 3.75%. जी, तो वो नेगेटिव कैरी है। तो ये घाटे का सौदा है। अभी फिलहाल जो भी इंक्रीमेंटल मेरे पास डिपॉजिट आ रहा है और पर्टिकुलरली जो फिक्स डिपॉजिट में आ रहा है, वो हमारे लिए घाटे का सौदा है। लेकिन जो मनी हमारा बाकी चैनल से आता है, मान लीजिए करंट अकाउंट में आता है या सेविंग्स बैंक में आता है या बल्क डिपॉजिट में आता है, वो घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आज की तारीख में ऐसी सिचुएशन है कि हमको फिक्स डिपॉजिट लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेकिन अब एक बड़ा बैंक है और हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में कि हमें आपके डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर डिपॉजिटर्स बोलेंगे कि हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। तो हमें वो बैलेंस बिल्कुल रखना पड़ेगा।